त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन तथा होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने गोरखपुर परिक्षेत्र के सभी कप्तानों को निर्देश दिया है। व्यक्तिगत सुरक्षा को देखते हुए सभी लाइसेंसी शस्त्र को तत्काल जमा करा लिया जाए, जिससे पंचायती चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके अलावा एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी कप्तानों को निर्देश दिया है कि अवैध असलहों का प्रयोग पर भी नजर रखें, जिससे किसी भी प्रकार की घटना कारित ना हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, बनाते हैं तो कुछ शस्त्र लाइसेंस जो धारी है या अवैध असलाह लेकर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, कोई निर्देश जारी किया? देखिए, हम दो विषय आप कह रहे हैं, एक तो एक लाइसेंसी और एक अवैध। तो अवैध के तो हमेशा ये रहता है, इस पर नजर रखें और इस पर कार्रवाई लगातार प्रक्रिया है करते रहें। जहाँ तक वैध लाइसेंस का विषय है, ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि इनको जमा कराया जाए और ये प्रक्रिया चल भी रही है। काफ़ी मात्रा में शस्त्र जमा हो भी गया है, बट अभी काफ़ी शस्त्र बचे भी हुए हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा को आवश्यकता को देखते हुए उसको छोड़कर सारे शस्त्र चुनाव तक जमा करने हैं, हमें उससे पहले जमा करने हैं। तो ये लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जोन में 60% से लेके 15% के बीच में वेरिएशन है अलग अलग जनपदों में। तो गोरखपुर में अभी कम हुआ है और इसलिए SSP गोरखपुर और अन्य जनपदों को निर्देश दे गए हैं कि इसको अब तेजी लाएं इस कार्य में, ताकि ये हम चुनाव और आगे आगामी जो होली का पर्व है उसे कुशल बना सकें।